हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने इस चैनल सेवरल आर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज मैं लेके आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके फॉर गंगा नदी में मिलने वाले प्रमुख नदियाँ ट्रिक से आपको याद कराऊंगा यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ ट्रिक बहुत ही अच्छी है जो कि आपको 2 मिनट के अंदर याद हो जाएगी। यह SSC वगैरह के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने कहा कि इसे अपलोड कर दूँ। और मैं यहाँ पर बता दूँ आसान ढंग से, यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे इसको याद करना है। गंगा नदी से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ, तो यहाँ पे एक मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, उसको आपको याद रखना है। सबसे पहले ट्रिक को पूरी पढ़ लेते हैं, देखिए है क्या ट्रिक। तो ट्रिक है यशोदा को राम साक गन। इतना तो आप याद ही कर लेंगे, हमेशा याद रहेगा। कभी भी आए कि गंगा नदी से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ इनमें से कौन सा है, नीचे दिए गए हैं विकल्प। कोई भी परीक्षा में आए, UPSC, SSC, CGEAD, रेलवे, तो आपको यहाँ पे कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में, तो आपको यहीं पर पता चल जाएगा यशोदा को राम साक गन। तो यहाँ पर चलिए, इस नदी कौन सी हैं। तो यशोदा यानी या से यमुना, सो से सोन, द से दमोदर, को से कोर कोसी, नेपाल में सप्तकोशी और बिकारो। ठीक है, यहाँ पे आप समझ ही रहे होंगे, नेपाल में जो होती है सप्तकोशी नदी होती है और बिकारो। और यहाँ पे रा से रामगंगा, और यहाँ माँ से महानदी, महानंदा जिसे हम कहते हैं, सा से शारदा, काली गंगा जिसे कहा भी जाता है, का से करनौली, घाघरा, कौरियाल, गन से गंडक, नेपाल में सलीमा कहा जाता है इसको, तथा मैदानी भाग में नरयाणी चाहिए जो कि लुप्त रहती है। ठीक है ना। और यहाँ पे आप याद कर चुके हैं कितनी नदियाँ, तो चलिए गिन लेते हैं। एक मिनट यहाँ पे याद हो जाएगी आपको। 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 और एक गंगा, 10 नदियाँ यहाँ से याद हो जाएंगी। तो यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो नीचे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर चैनल पहली बार। थैंक्स।